हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट ऑफ 1 आवर योगा सेशन। ये जो वीडियो है मैं अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। वो मुझसे जानना चाहते थे कि हम योगा के डिफरेंट पार्ट्स, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम को कितना कितना टाइम दे ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो मैं आपको ये अभी शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट ऑफ 1 आवर सेशन। सबसे पहला स्टेप था ओंकार और गुरु वंदना। इसको आपको कितना टाइम देना है, कितने टाइम करने है, 3 टाइम्स करने है। और आपको कितना टाइम देना है, 5 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, कई लोग ना इस स्टेप को इम्पोर्टेंस नहीं देते कि ओंकार और गुरु वंदना को छोड़ देते हैं और सीधा प्रेपरेटरी मूवमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। बट आपको ये चीज समझनी होगी कि इसमें हर एक स्टेप की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, हर एक स्टेप का अपना सिग्निफिकेंस है। ओंकार हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं हम सीधा आके प्रेपरेटरी मूवमेंट्स करने लग जाते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग की स्पीड होती है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती, कई बार बड़ी होती है। तो इसलिए जब हम पहले ओंकार और गुरु वंदना करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है और हमारी जो ब्रीदिंग की स्पीड है वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो हम आगे का जो भी सारे मूवमेंट्स हैं, सारे आसन, प्राणायाम, सबको बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो इसलिए इस पार्ट को भी आपने स्किप नहीं करना। तो 5 मिनट इसमें लगेंगे आपको ओंकार और गुरु वंदना में। एंड द सेकंड पार्ट इज प्रेपरेटरी मूवमेंट्स, जो कि 12 है। 12 के आपको 2 सेट करने हैं, 12 मूवमेंट्स के 2 सेट करने हैं और इसमें आपको लगेगा 7 से 8 मिनट। और उसके बाद आते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो कि आपको 13 करने हैं और कितने टाइम में हो जाते हैं, 10 मिनट्स में। और ये 13 आपको अपनी कैपेसिटी से बढ़ाने हैं। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको पहले 2 से स्टार्ट करना है, फिर 2 के बाद 3, 3 से 4, 5, ऐसे फिर आपको 13 तक लेके आने हैं। और उनको करने में आपको 10 मिनट्स लगते हैं। तो उसके बाद ये ओंकार, प्रेपरेटरी मूवमेंट्स और सूर्य नमस्कार करने के बाद ब्रीदिंग स्पीड बढ़ जाता है, थोड़ा टायर्डनेस फील होता है। तो उसके लिए क्या होता है, रेस्ट लेना होता है। रेस्ट लेने के लिए हम कौन सा आसन करते हैं, शवासन। शवासन को मिनिमम आपको 2 मिनट के लिए करना है और मैक्सिमम 3 मिनट के लिए करना है। तो इस तरीके से अपना यहाँ तक अपना 30 मिनट्स का पूरा हो जाता है, 30 मिनट्स इस सब में चले जाते हैं। तो उसके बाद ये रेस्ट लेने के बाद ब्रीथिंग का स्पीड फिर से नॉर्मल हो जाता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है बॉडी का अच्छे से। तो उसके बाद आपको करने हैं आसन। आसन में 4 आसन को आपको कितना टाइम देना है, 15 मिनट। इसको आपने 15 मिनट को कैसे डिवाइड करना है, आसन की 4 पोजीशंस होती हैं। स्लीपिंग पोजीशन में आसन होते हैं, सिटिंग में होते हैं, प्रॉन पोजीशन में होते हैं जिसको प्रिपरेशन स्थिति भी बोला जाता है, और स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। आप किन्हीं 3 पोजीशंस को चूज कर सकते हैं और हर पोजीशन में आपको 2-2 आसन करने हैं। तो ये आपके 15 मिनट में हो जाते हैं। तो उसके बाद आसन करने के बाद आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट कितनी देर का लेना है, वो 5 मिनट का। ये 5 मिनट का रेस्ट क्यों है, क्योंकि आसन करने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जो स्ट्रेन आया होता है वो निकल जाता है और बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाती है। और उसके बाद ही प्राणायाम स्टार्ट करने, क्योंकि प्राणायाम शुरू करने से पहले आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, तो ही आप एफिशिएंटली प्राणायाम कर पाओगे। तो प्राणायाम में सबसे पहले क्या करना है, आपकी सीरीज क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले आपको कपालभाति क्रिया करनी है। कई लोग कपालभाति को प्राणायाम बोलते हैं, कपालभाति इज नॉट प्राणायाम, इट्स क्रिया जो कि प्राणायाम से पहले की जाती है, जिससे आप इनहेल भी अच्छे से कर पाते हो और एक्सहेल भी बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे आपकी जो नोज में लर्किंग इम्प्योरिटीज होती है वो सारी निकल जाती है। कपालभाति के बाद आपको करना है डीप ब्रीदिंग। कपालभाति के आप 3 राउंड्स कर सकते हो, 3 राउंड, और हर राउंड के बीच बीच में आपको रेस्ट लेना है। उसके बाद करना है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के बाद आप एनी ऑफ प्राणायाम कर सकते हो, मीन्स आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, उज्जयी कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, एनी वट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके बाद है मंगलमयी प्रार्थना और ओंकार। अगर आपको मंगलमयी प्रार्थना नहीं आती वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप ओंकार बोल सकते हो कितने, 11। ये सारा इस तरीके से अपना 1 घंटे का सेशन कम्प्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा इफेक्ट आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।